कल्याण ग्रामीण भाग के बेहद ही प्रतिष्ठा वाली कांबा ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर मंगेश बनकरी की बिन विरोध नियुक्ति की गई है। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद सरपंच बालाराम भोयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सरपंच पद की जगह रिक्त होने से तहसीलदार कार्यालय ने 15 दिनों में ही चुनाव की घोषणा की थी। 21 अप्रैल शनिवार की दोपहर को सरपंच पद के नामांकन भरे गए और केवल एक ही उम्मीदवार की अर्जी दाखिल होने पर चुनाव अधिकारी SR रोकड़े ने सरपंच पद पर मंगेश बनकरी की बिन विरोध नियुक्ति की है। इस अवसर पर मंगेश बनकरी ने अपने बयान में कहा कि सभी ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम सेवक इंगोली की सहमति से गांव का विकास किया जाएगा। कांबा ग्राम पंचायत ये कल्याण के ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न के एतबार से दूसरे क्रमांक पर आती है। सरकार को लाखों का महसूल इस ग्राम पंचायत के कामों से मिलता है। सदस्य मदन उबाले ने भी विकास कामों में सहकार्य करने का आश्वासन दिया। इस चुनाव के मौके पर उद्योगपति अरुण शिरोसे, भगवान शिरोसे, प्रभाकर पावशे, संजय भोईर, उत्तम शिरोसे, विलास उबाले सहित कांबा गांव के ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जीवार्ता के लिए रोशन उबाले की रिपोर्ट। कांबा पूर्ण कशा व्हाव्या माझ्या गावाला आदर्श गाव कसं व्हावं याच्यासाठी मी पूर्ण निवड श्री मंगेश भगवान बनकरी यांची दुसऱ्यांदा निवड झाल्याबद्दल आमच्या ग्रामस्थांतर्फे तो ग्रुप ग्राम पंचायतर्फे त्यांचं हार्दिक अभिनंदन। योजनेच्या पूर्ण गावाला फायदा कसा करून देते। ग्राम पंचायत मध्ये बरेच वेळा इलेक्शन होतात पण असे भाविक मंगेश बनकरी हे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आहेत आणि विकासाच्या कामासाठी जे त्यांना ते पैसे आम्हाला जिल्हा परिषद सदस्य आम्हाला भेटलेले आहेत ते पण विकासासाठी झडणारे आहेत। आमचे ताई आहे त्यानंतर त्यांच्या मुलं ते मंगेश बनकरी साहेब हे त्यांच्या तरुणी काय विकासासाठी कामं आणणार